और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। नेताजी की छोटी बहू बीजेपी नेता अपर्णा यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है। अपर्णा यादव समेत तीन बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को कम किया गया है और जैसे ही ये फैसला लिया गया है उसके बाद से अपर्णा यादव को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। सवाल इस बात का कि क्या अपर्णा यादव का बीजेपी से मोह भंग हो गया है या फिर बीजेपी अपर्णा यादव से पीछा छुड़ाना चाहती है इसलिए उनकी सुरक्षा को कम किया गया है। अपर्णा यादव जो कि बीजेपी के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, अपर्णा यादव जो बीजेपी के इशारे पर समाजवादी पार्टी की आलोचना करती हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने इतना कुछ बोला है बीजेपी के इशारे पर कि वो बीजेपी की दुलारी हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा को कम कर दिया गया है। सिर्फ अपर्णा यादव ही नहीं, अपर्णा का स्कॉट वापस लिया गया है। इसके अलावा मुकुल उपाध्याय को सिर्फ एक गनर दिया गया है। बलबीर पुंज की सुरक्षा भी हटाई गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज की एक श्रेणी की सुरक्षा को वापस लिया गया है। पूर्व मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय के भाई मुकुल उपाध्याय की वाई श्रेणी की सुरक्षा को वापस लिया गया है। तो अपर्णा यादव को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियां बन रही हैं। वैसे तो पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज और पूर्व मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय के भाई मुकुल उपाध्याय की भी सुरक्षा वापस ली गई है, लेकिन अपर्णा यादव की सुरक्षा को वापस लेना, उनकी सुरक्षा को कम करना कई सवाल खड़े कर रहा है। और जैसे ही ये फैसला सामने आया उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर अपर्णा यादव को भी निशाने पर लिया है और बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। सपा नेताओं का कहना है कि परिवार से बगावत करके अपर्णा यादव बीजेपी के पास मलाई खाने गई थी, लेकिन यहाँ बीजेपी ने ना तो उनको टिकट दिया, ना ही विधायक और सांसद बनाया, ना MLC बनाया और ना निकाय चुनाव में टिकट दिया। ऊपर से सुरक्षा को और वापस ले लिया है, जो बताता है कि बीजेपी उन्हें एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हालांकि मामले पर अपर्णा यादव की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अपर्णा यादव की सुरक्षा को घटाए जाने के बाद सपा नेताओं ने बीजेपी को निशाने पर लिया है और अपर्णा यादव ने जो गलती की बीजेपी में जाने की उसको लेकर के समाजवादी पार्टी नेता एक बार फिर उनको कोस रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से, नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव जो कि बीजेपी में है, बीजेपी के इशारे पर वो जमकर समाजवादी पार्टी की आलोचना करती हैं, खुले मंच से चुनौतियां देती हैं, उनकी सुरक्षा को कम किया गया है। और जैसे ही अपर्णा यादव की सुरक्षा को कम करने का फैसला लिया गया उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात का कि आखिर अपर्णा यादव की सुरक्षा को कम करने के पीछे बीजेपी का मकसद क्या है। अपर्णा यादव तो इस उम्मीद में बीजेपी में शामिल हुई थी कि उन्हें विधायक, सांसद या फिर MLC बनाया जाएगा, लेकिन यहां तो उनकी सुरक्षा को ही वापस लिया गया है। और हाल ही में शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ा बयान दिया था, उस बयान को इस सुरक्षा को घटाने के फैसले से जोड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि चाचा जी शिवपाल सिंह यादव ने अपर्णा यादव को लेकर जो कहा था वो सही साबित हो गया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि अपर्णा यादव के हाथ कुछ नहीं लगेगा, वो हाथ मलेंगी, और कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि जब उनकी पार्टी के साथ विवाद चल रहा था तो बीजेपी के नेता उनके संपर्क में थे और बीजेपी के नेता उन्हें इस्तेमाल करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उन्हें बीजेपी की मानसिकता पता है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला नहीं लिया। तो अपर्णा यादव की सुरक्षा घटाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हल्ला मचा हुआ है। वैसे तो बीजेपी ने दो और नेताओं की सुरक्षा घटाई है, लेकिन अपर्णा यादव की सुरक्षा को कम किए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज की सुरक्षा घटाई गई है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। पूर्व मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय के भाई मुकुल उपाध्याय की वाई श्रेणी की सुरक्षा घटाई गई है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। अपर्णा यादव की सुरक्षा घटाई गई है, तो चर्चाओं का बाजार गर्म है, सुर्खियां बन रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है और अपर्णा यादव एक बार फिर निशाने पर हैं। समाजवादी पार्टी के वो नेता जिनको अपर्णा यादव अक्सर कर खुलेआम चुनौतियां देती हैं, अब वो अपर्णा यादव पर निशाना साध रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी में जाने से आपको आखिर मिला क्या, आपकी सुरक्षा को ही घटा दिया गया जिससे आपकी जान माल को खतरा हो सकता है, लेकिन बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपर्णा यादव की सुरक्षा घटाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सुर्खियों का माहौल देखने को मिल रहा है।